हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम मैं नेम इज़ रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर द बैंक ऑफ बरोडा स्केल थ्री एम एस एम यू वेल आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मी सर व्हाट एग्जैक्टली दे शुड स्टडी फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन एज पर माई एक्सपीरियंस कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और कितने पढ़ने चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस टू डिटेल में राइट Uh, my name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams today from last, I guess, 12 years now. And I'm already doing the Bank of Baroda Scale 3 Manager course, uh, the MSME course, in which we are providing the video classes, notes, quizzes, and the test series. Link to join the course is available in the description. You can check the course there, okay? The sure, short, short topics that you should do RBI guidelines are very important. For last three years, you should do the RBI circulars. Why I'm asking you to do last three years? बिकॉज सी स्टूडेंट्स वट इज बैंकिंग इन इंडिया इंडिया में बैंकिंग है क्या कौन रेगुलेट करता है इट्स आर बी आई कुछ भी हो रहा है बैंकिंग में वेदर इट इज़ के वाई सी प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग बेसल नॉम्स एवरी थिंग इज रेगुलेटेड बाय आर बी आई अगर आर बी आई ही सब कुछ रेगुलेट कर रहा है तो उसका सबसे अच्छा सोर्स पढ़ने का है आर बी आई की गाइडलाइन आर बी आई के नोटिफिकेशन ऐसा कुलस. सो इफ यू आर फॉलोविंग द बैंक एग्जाम्स टूडेज फाइनेंशियल अवेयरनेस कॉस उसमें हम आर बी आई के सर्कुलर्स हर महीने वी डू द डिटेल्ड एनालिसिसक थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स का सेशन होता है एक महीने का एक महीने के सारे सर्कुलर्स को एक साथ ही हम एनालिसिस करते हैं मैं करता हूं उसको थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स में वी आर एबल टू कवर इट अप मैनी टाइम्स इट इज कवर्ड इन लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स सो इफ यू आर डूइंग इट फॉर थ्री ईयर्स हार्डली आई वुड से फॉर द होल ईयर उसमें होगा 300 250 300 मिनट होगा पूरे साल का एंड ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम आरबीआई गाइडलाइंस डायरेक्टली अगर आरबीआई गाइडलाइन से नहीं है इनडायरेक्टली आरबीआई गाइडलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली भी अगर चार पांच क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आर बी गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम तो इसका आप ध्यान रखें लास्ट थ्री ईयर

द आई बी सी सरफ आई सी बैंक करपसी के जो लॉज हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट uh, आ जाता है लिमिटेशन लॉ आ जाता है स्टैंप ड्यूटी एक्ट आ जाता है बड़ा एक छोटा सा पार्ट है थर्टी मिनट्स में पूरा डॉक्यूमेंटेशन कवर्ड है ईजिली इवन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आई गए आधे घंटे में कवर्ड है नेगोशियबल इंस्ट्रोमेंट एक घंटे में कवर्ड है तो इतने में यू कैन ईजिली कवर द लॉज ओके

Uh, 200 or 180 200 pages that's all and you you have to do this right these are the most important parts i would say for the professional knowledge section if you ask me sir so important rba circulars laws banking awareness so important hai? government schemes specially related to msme i have already done few sessions in the last week related to the government schemes फॉर इंश्योरेंस पेंशन एम एस एम ईज वुमन एम्पावरमेंट वो सबका मैं सेशन कर चुका हूँ ऑन दिस यूट्यूब चैनल इट सेल्फ यू कैन वॉश द सेशन आई अटैच द लिंक आई अटैच द लिंक इन द कार्ड्स तो प्लीज गो थ्रू बट दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एवरी ईयर टू थ्री फोर क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ देर इज एनी नोमेरिकल तो वो रेशियो एनालिसिस से ही होगा इन विच कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड कैलकुले कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप इजिली कर सकते हो कैपिटल बजटिंग ka का थ्योरी कर लें दैट वुड बी सफिशिएंट एंड इवन इफ नोमेकल क्वेश्चन आर आस्ट उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं देन ब्रेक इवन नो अ पॉइंट सी ए पी एम इज शॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको आना चाहिए दैट वॉट इज अ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज कहाँ है एसेट्स कहाँ हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट होता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसमें से सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा रेशियो एनालिसिस में इफ़ यू आर आ ग्रेजुएट राइट विद एट ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बट यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट रेशियो एनालिसिस आपने अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है आपने एम बी ए नहीं करा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि रेशियो एनालिसिस पहली बार करेंगे तो टाइम लगेगा बट इवन दैट यू कैन डू इट इन लाइक वन और टू डेज इजिल इट्स नॉट डिफिकल्ट आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट इन द कॉस यू कैन चेक इट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस बेसिक्स जनरली वन टू क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस इज इम्पोटेंट बेसिक ट्वेंटी मिनट वीडियो इज देयर वीर वर्किंग ऑन द पावर कैप्स्यूल पावर कैप्स्यूल वी वन इज ऑलरेडी देयर इन द कॉस्ट यू कैन चेक इट एंड वी टू वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट मार्कटिंग अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज हेयर कि सर मार्कटिंग क्यों पढ़ना है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मे बीट बी देयर मे बी इट वॉन्ट भी देयर हो सकता है मार्कटिंग का कोई भी क्वेश्चन आए हो सकता है कि सात आठ आठ दस क्वेश्चन आ जाएं तो इट्स क्योंकि प्रोफाइल जो है नोटिफिकेशन में उसमें अब देखिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी रहती है दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू इफ़ यू हैव टाइम देन आप टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट एंड मॉडल वी सी जी मैट्रिक्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पॉटम मॉडल इन द कॉर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट तो ये इजिली यू कैन थ्री फोर डेज में आप इतना कवर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग वाला ओके okay? Uh, do's and don'ts uh, for your exam preparation. Take a test series. At least five mocks. Five full length mocks. At least if you are taking anything less than that, it would be very difficult for you to crack the exam. I mean, if you are taking no test series and you are going for the exam, it's very tough for you. Take the test series, right? Uh, revise the syllabus with the power capsules. If you are making your own notes, that's great. बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बना रहे हैं नोट्स तो पावर कैप्सूल पढ़े वैसे तो नोट्स बनाना एक अच्छी आदत है स्टूडेंट्स के लिए एंड अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग ओनली आए आई बी एफ क्रेडिट मैनेजमेंट की बुक इट्स अ गुड बुक इट्स अ वेरी गुड बुक आई बी एफ क्रेडिट मैनेजमेंट का बुक इज वेरी गुड बुक इवन आई हैव इट अ लॉर्ड ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव टॉट इन द कॉर्स लाइक टेन परसेंट ऑफ द कॉर्स इज टॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक उस बुक से ही पढ़ा है लेकिन दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक उसमें आर की गाइडलाइंस नहीं है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है उसमें बहुत सारे लॉज नहीं कवर्ड हैं वो क्रेडिट मैनेजमेंट की बुक है क्रेडिट मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रेडिट मैनेजमेंट सिलेबस वाइड है अगर आई की बुक पढ़ रहे हो अच्छी बात है लेकिन वो पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होता है और होगा भी नहीं ठीक है सो दैट्स आई वॉन्टेड टू टेल ओके सो बैंक ऑफ बड़ोडा स्केल थ्री Uh, msme course it's available on .com. That that is a pretty short session uh, link to join the course is available in the description list of our all successful students in the past the recent selections in the rrb scale 2 scale 3 all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them if there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are going to answer your doubts so students thank you and have a very nice day Bye-bye.